जीवन में जितना माँ का स्थान होता है उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। और ऐसे भी शिक्षक हमने देखे हैं कि जिनको अपने से ज्यादा अपनों की चिंता होती है, वो अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। हम सबके जीवन में शिक्षक का योगदान हमेशा हमेशा महसूस होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अपने बचपन में अपने टीचर ने कही हुई कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी। शिक्षक ये व्यवसाय नहीं, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं, शिक्षक एक जीवन धर्म। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता। नौकरी रहे या ना रहे लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो मन से उसका हमेशा रहता है कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहे, लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से दो कदम आगे चलते हैं। अगर हमारा शिक्षक समय से दो कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता। और समय से दो कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है। आज शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी शिक्षक के प्रति वो भाव आवश्यक है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान परोसती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। आज का समय उन तपस्याओं का स्मरण करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक हो। आपके शिक्षकों से आपके जीवन में जो कुछ भी है अच्छा हुआ है, अगर दुनिया को बताएंगे तो शिक्षक के प्रति देखने के रवैये में बदलाव आएगा, एक गौरव होगा। और समाज में हमारे शिक्षकों का गौरव बढ़ाना हम सबका दायित्व है। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वो हमेशा कहते थे अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। राष्ट्रपति का पद होने के बाद भी शिक्षक के रूप में जीना और शिक्षक मन के नाते भीतर के छात्र को जिंदा रखना, ये अद्भुत जीवन डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जी करके दिखाया।